हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्वीन ऑफ टीयर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में सोचोल को दिखाया जाता है जो कि वाईफाई को ढूंढ रहा होता है। इसे यहाँ पर एक मिल भी जाता है जो कि क्वीन बॉक्सिंग जिम का होता है। बाद में इंद्र आता है और यह जिम ह्यूनताई की होती है। ह्यूनताई भी इंद्र ही होता है। सोचोल यहाँ पर एक अवार्ड को देख रहा था और कह रहा था कि क्या इंडो को बॉक्सिंग आती है। मिनता यहाँ पर हाँ बढ़ता है और बता रहा था कि इंडो बॉक्सिंग में कितना अच्छा है। वो ये मेनू को देखते हैं जो कि शिव यूके के आदमी से लड़ रहा होता है। इन सभी को यहाँ पर घायल करता है और बाद में शिव को पकड़ता है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। इंडो से कह रहा होता है कि तुम एक वकील को अपॉइंट कर सकते हो। पुलिस वालों को मैंने फोन किया है ताकि तुम स्टेशन पर जा सको। बाद में शिवम पुलिस स्टेशन में होता है और शिवम के पास कॉल कर रहा होता है, लेकिन शिवम फोन को कट कर देता है क्योंकि इसके सामने हीन होती है। हीन बाद में यूनशियम के पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने मुझको कैसे ढूंढा। यूनशियम यहाँ पर कह रहा होता है कि जो मैं करने की ठान लेता हूँ वह मैं करता ही हूँ। यूनशियम हीन से कहता है कि मुझे और बुरा मत बनाओ और अपने काम पर वापिस लौट जाओ। मुझे बता कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने इसके लिए तुम्हारे डॉक्टर से बात की थी लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हेन कहती है कि क्या तुम मुझे धमका रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरूंगी। हेन बाद में जारी होती है, लेकिन यूनशियम कह रहा होता है कि तुम्हारी फैमिली नहीं जानती कि तुम्हें क्या हुआ है। तुमने उनको नहीं बताया क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अपने काम पर वापस लौट आओ नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा कि तुम्हें क्या हुआ है। केवल मैं ही हूँ जो कि तुम्हें बचा सकता है, वह हेनू नहीं है। बाद में अब सुशील आ रहा होता है, साथ में यूनताय होता है। सुशील यूनशियम को देख लेता है, बाद में उसको मारने लगता है लेकिन खुद नीचे गिर जाता है और कह रहा होता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मैं खुद दोषी महसूस कर रहा हूँ, मेरी फैमिली मेरी वजह से बर्बाद हो गई है। लेकिन हीन कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई भी धोखा खा सकता था। सोचुअल बाद में कहता है कि दाई कहाँ पर है, प्लीज मुझे बता दो क्या वो ठीक है। लेकिन यूनशियम कुछ भी नहीं कहता और चला जाता है। बाद में ये तीनों जा रहे होते हैं जहाँ सोचुअल हीन से कहता है कि वह यहाँ पर क्यों आया था। हीन नहीं बताती और बाद में कह रही होती है कि तुम ये बात किसी को मत कहना कि यहाँ पर यूनशियम आया था। सुचोल भी हाँ भर देता है। हेन बाद में हिंताई की ओर देखती है। हिंताई भी कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बाद में हिंताई को देखते हैं जो कि मिशन के पास आता है और कह रहा होता है कि मैंने इस आदमी को देखा था जो कि यहाँ पर आया था और ये क्वीन ग्रुप का नया चेयरमैन है। मिशन भी बाद में देखती है, चौंक जाती है। हिंताई कहता है कि तुम इसको जानती हो। मिशन कहती है कि तुम मेरे टाइप का है। अगले सीन में यूनशियम को दिखाया जाता है जो कि दाई से फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था कि तुमने अपने नंबर और साथ में सोशल अकाउंट चेंज कर दिए है ना। दाई यहाँ पर हाँ भरती हुई बाद में यह कह रही होती है कि क्या तुमने सुचिल को देखा है। यूनशियम कहता है कि क्या हुआ है, क्या तुम्हें उससे चिंता हो रही है। दाई कहती है कि ऐसा नहीं है, वह थोड़ी अलग किस्म का है। यूनशियम बाद में कह रहा था कि वह तुम पर गुस्सा था। दाई भी बाद में कहती है ठीक है। बाद में जोनू से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि सुचिल अब मैच्योर हो गया है। अगले सीन में हेन को देखते हैं जो कि यूनू के पास कॉल करी होती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बाद में अब रिनू आता है, हेन अपनी इसको देख रही होती है, फिर अपने रूम में लाती है और कहती है कि ये सब क्या है, क्या तुम्हें पीटा गया है। रिनू कहता है कि मैं ठीक हूँ। हेन बाद में हिनू के कपड़े उतार रही होती है। रिनू कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन हेन नहीं मानती। हेन पूछती है कि ये सब किसने किया था। रिनू अब कहता है कि वो ब्रोकर था जो कि ऐसे भागने वाला था, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनके पास मुझे पीटने के लिए डंडे थे लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था क्योंकि मुझे बॉक्सिंग आती है, इसलिए मैंने उन सबको पीटा। हेन बाद में मरहम लगा रही होती है और कहती है कि तुम्हें भाग जाना चाहिए था। हेनू कहता है कि वैसे अब ठीक है, ब्रोकर अब पुलिस स्टेशन में है। हेन बाद में को मरहम लगा रही होती है, साथ ही वादा मांगती है कि जब भी ऐसा दोबारा होगा तो तुम भाग जाना। लेकिन हेनू कहता है कि मुझे माफ़ करना लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने तुम्हारे लिए खुद से वादा किया है। लेकिन हेन कहती है मेरे बारे वादे मत करो, वादे सिर्फ वही करते हैं जो कि शादीशुदा होते हैं, लेकिन हमारा तलाक हो चुका है इसलिए मेरे बारे कोई वादा मत करो। लेकिन अगली बार अगर तुम यहाँ पर ऐसे आए तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगी। हेनू भी बाद में हेन से वादा कर रहा होता है। अगले सीन में सभी अब खाना खा रहे होते हैं। ये आप सुचुल की ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारी लड़ाई हो गई थी। लेकिन सुचुल मना कर देता है और कह रहा था मैं गिर गया था। बाद में यहाँ पे हेनू भी आता है, ये सिर्फ पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ है। हेनू भी कहता है कि मैं गिर गया था। ये कहते हैं कि तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं हुई। सुचुल कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरा हेनू से कोई मुकाबला नहीं है, ये तो बॉक्सिंग में अच्छा है। दुकान में बाद में हेनू की बटाई कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इसने बचपन से बॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दिया था और इसने हर कॉन्टेस्ट को जीता था, ये मेरी तरह ही है, इसने मेरा पीछा किया है। दुगान बाद में सुचुल से कह रहा होता है कि तुम्हारे बारे में क्या। सुचुल कहता है कि मैं मेरे पिता की तरह हूँ। लेकिन बेमजुल स्माइल करता है और कह रहा होता है कि मेरी तरह नहीं है। दुगान बाद में हीन के बारे में बात कर रहा था और कह रहा था
कि अपनी माँ की तरह है, पूरी बुद्धि सुंदर है, दोनों यहाँ पर कुछ नहीं बोलती। बाद में बाहर आ रहा होता है, साथ में सुचू लाता है। सुचू यहाँ पर यह बताने वाला था कि यहाँ पर यूंचू आया था, लेकिन तभी यहाँ पर हिना जाती है और इसको ऐसा निकल नहीं देती। बाद में सुचू चला गया था। हिन बाद में इनको कह रही होती है कि यह तुमने मरम लगाई, लेकिन इनू कहता है कि मैं बिजी था। हिन बाद में इसको मरम लगाती है, साथ में बैंडेज लगाती है और बाद में इसको बाय भी कर रही होती है। हिन बाद में जा रहा होता है, लेकिन बाद में वापस आता है और कह रहा होता है कि इस टाइम बहुत ही ट्रैफिक होगा, इसीलिए मुझे 5 मिनट के बाद जाना चाहिए। बाद में सब स्टोर के सामने होते हैं और यहाँ पर बात कर रहे थे। हिन अपने हिन से कह रहा होता है कि चोट वाली और मरम वाली बात पहले हो जाती तो कितना अच्छा होता, इसका रिजल्ट कुछ और ही होता। हिन बाद में कहती है कि जब हमने यहाँ पर आइसक्रीम खाई थी तभी हमारा ब्रेकअप हो जाना चाहिए था। हिन बाद में कह रहा होता है कि अगर ऐसा होता तो शायद तुम नहीं जान पाती कि मैं कैसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं जान सकता हूँ कि तुम कैसा कर रही हो और मुझे इस चीज़ का भी पछतावा हो रहा है कि जब जब मैं तुमसे मिलता तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या कोई बात है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, अब मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है। बाद में दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। अगले समय शोले को देखते हैं जो कि यूनचुंग से बात करी होती है और कह रही होती है कि कल रात तुम घर पर कब आए थे और चेयरमैन कहाँ पर है, क्या वो ठीक है, तुम उनको घर पर ले आओ, हम बैठकर आराम से बात करेंगे। लेकिन यूनचुंग कहता है कि बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, हेन यहाँ पर आने वाली है और मैं उसे शादी करने वाला हूँ। शोली बाद में कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या वो इसके लिए सहमत है। यूनचुंग बाद में कहता है कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। अगले समय यूनू को देखते हैं जो कि अपने काम पर होता है और यहाँ पर एक नोटिस को देख रहा होता है कि इसको नौकरी से निकाल दिया गया है और वह भी कदाचार के कारण। हिन बाद अपने सामान को पैक कर रहा होता है और ये अपने यूनचू आता है और इसी कहता है कि यह जगह बहुत ही छोटी है। हिनू कह रहा था कि एक आदमी के लिए सही है। यूनचू बाद में कहता है कि वैसे तुम क्या जा रहे हो। हिनू कहता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुमने इसको कदाचार का नाम क्यों दिया, क्या तुम्हारे पास सबूत है। यूनचू यहाँ पर हाँ बढ़ता है और बाद में कह रहा होता है कि तुम तो हिन को यंगडोरी में ले गए थे, तुमने ये सोचा होगा कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जानते होगे कि मैं वहाँ पर आया था। हिनू कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बहुत ही बिजी था, वैसे भी कल से यूपी को अरेस्ट कर लिया गया है, क्या तुम नहीं जानते थे, लेकिन यूनचू को पता नहीं था। हिनू बाद में कह रहा होता है कि मेरे पास सच्चाई को एक्सपोज करने का हुनर है। यूनचू कहता है कि तो अच्छी बात है, तुम्हें वही करना चाहिए जिसमें तुम बेस्ट हो। यूनचू बाद में चला जाता है। अगले सीन में गो को दिखाया जाता है, साथ में शोली होती है। शोली गो से कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा फोन उठाओगी। गो यहाँ पर कहती है कि अपने बहुत ही कम पैसे दिए थे, क्या तुम्हें लगता है कि इतने पैसे मैं लूंगी और विदेश में जाऊंगी। शोली बाद में कहती है ठीक है मैं तुम्हें CEO बना दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम्हें चेयरमैन को ढूंढना होगा। अगले सीन में गो अपने काम पर लग जाती है, साथ में इसकी टीम होती है। इनके पास बहुत से अस्पताल की लिस्ट होती है और फोन करके चेयरमैन के बारे में पूछ रहे थे। अगले सीन कैनन को देखते हैं जो कि ब्यूमजा से बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि अगर क्या हुआ है, यूनचू चेयरमैन को अस्पताल में से ले गया है। ब्यूमजा कहती है कि वैसा कैसे कर सकता है, मैं अभी टैक्सी लेकर शोल में आ रही हूँ। तभी आगे आप यूनचू होता है। ब्यूमजा बाद में यूनचू से बात करने लगती है। यूनचू कहता है तुम तो मेरी माँ की बेटी हो। ब्यूमजा कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी माँ ने उस दिन मुझे धोखा दिया था, वैसे ये रुमाल तुम्हारी माँ का है। यूनचू कहता है कि तुम्हारे पास क्या कर रहा है, मेरी माँ ने तुम्हें क्यों दिया था, क्या तुम रो रही थी, लेकिन ब्यूमजा मना कर देती है। लेकिन यूनचू कहता है कि शायद तुम रो रही होगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो पागल होते हैं वे रोते हैं। ब्यूमजा बाद में कहती है कि जो इंटेलिजेंट होते हैं वे क्या करते हैं। यूनचू ब्यूमजा के पास आता है और कह रहा होता है कि वे मीट खाते हैं। यूनचू बाद में जा रहा होता है, ब्यूमजा भी इसको देखी होती है और बाद में कहती है कि यह विलेज बहुत ही अजीब है। अगले सीन में डुवान को देखते हैं जो कि तैयार हो रहा होता है और बाद में बस योकुन को देख रहा होता है जो कि यहाँ पर स्पीच दे रहा होता है। वो सभी लोग इसकी ओर होते हैं और ये गांव का हेड बनने वाला है। बाद में डुवान को दिखाया जाता है, साथ में यूनचू होता है, साथ में चुनची को होता है। चुनची यहाँ पर यह बता रहा होता है कि शोकुन क्या कर रहा है, आपने पहले गांव में जो भी काम करवाए थे उनको चेंज कर रहा है, साथ में अपने निशान को भी। बाद में देख रहे होते हैं यहाँ पर लोग ऐसे ही कर रहे थे। डुगा ने शेकुन से कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरी इमेज को मिटाना चाहते हो। शेकुन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। शेकुन फोन में दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि हम यहाँ पर यह डिजाइन लगाने वाले हैं। अगले सीन में सुचूल को देखते हैं जो कि जिम में होता है। इसने दाई के पास पहले मैसेज सेंड किए हुए थे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बाद में पास में अगर होयल होता है, इसको देख रहा होता है जो कि गेम खेल रहा होता है। सुचूल बाद में सिंगवाद करता है कि मैं और साथ में दाई भी गेम खेला करते थे। बाद में सुचूल अपने गेम को चेक कर रहा होता है और यहाँ पर ये देखता है कि दाई 2 घंटे पहले ऑनलाइन थी। सुचूल बाद में होयल के ऊपर पट जाता है और कह रहा होता है कि इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। अगले इसमें गो को दिखाया जाता है जो कि शोली से बात करी होती है और चेयरमैन के बारे में बताने वाली थी, लेकिन तभी अब रिनू आता है, साथ में अंकी होता है। बाद में दोनों गो से बात कर रहे थे।
और इसके ऊपर ब्लैकमेल करते हैं कि तुमने क्या किया था। लेकिन गो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड में ही थी, लेकिन अगर मुझे कैश मिल जाता तो अच्छा होता। बाद में यहाँ पर ब्योमजा आती है और गो को अपना बैग मारती है। बाद में इसके पास आती है और कह रही थी कि क्या तुम नहीं जानती है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें जेल में भिजवा सकती हूँ। अगले सीन में सभी साथ में होते हैं, साथ में कैनन होता है। गो यहाँ पर सभी को ये बताती है कि यूनसो ने क्या किया है, वह चेयरमैन को कहीं पर ले गया है। मैंने सभी अस्पतालों में चेक किया है लेकिन वह वहाँ पर नहीं थे। अभी सभी साथ में काम करने वाले हैं और चेयरमैन को ढूंढने वाले हैं। ब्योंजा भी गो की ओर देखती होती है। गो बाद में कहती है कि मैं हैप्पी नहीं थी, तुम्हें बाहर निकाल दिया गया, मुझे बहुत ही दुख हुआ था। वैसे तुम सब कैसे हो और शोना कैसी है? अगले इसमें शोना को देखते हैं, साथ में मिशन होती है। मिशन से नोवा को ब्यूटी सैलून में आने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ पर सभी महिलाएं आपका वेट कर रही हैं और आपसे माफ़ी मांगने वाली हैं। शोना कहती है कि मैं जानती हूँ कि क्या कहने वाली है, कि मैं नहीं बताता कि तुम यहाँ पर हो। बाद में देखते हैं कि ये सब यहाँ पर ऐसे ही कह रही थी और शोना से माफ़ी मांग रही होती है। शोना भी कहती है कि कोई बात नहीं है, वैसे ही मुझे बताना चाहिए था कि मैं यहाँ पर हूँ। बाद में शोना कॉफी पीने के लिए आती है और अपने कार्ड को देती है, लेकिन इसका कार्ड काम नहीं कर रहा था। शोना यहाँ पर कह रही होती है मुझे कॉफ़ी की जरूरत है, मैं तुम्हें बाद में भुगतान कर दूंगी, लेकिन इसको कॉफ़ी नहीं मिलती। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बोंगी आती है जो कि कॉफ़ी ले रही होती है, साथ में शोना के लिए लेती है। शोना भी इसके लिए थैंक यू कह रही होती है, लेकिन बोंगी कहती है कि थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी फ्री नहीं है। और अगले सीन में शोना खेतों में काम कर रही होती है। अगले सीन ना को देखते हैं जो कि उंडूरी में आती है, यहाँ पर हेन इसका वेट कर रही होती है। हेन यहाँ पर ना से कहती है कि जो मैंने मंगवा था क्या तुम लेकर आई हो, या फिर यहाँ बढ़ती है। हेन इसे कहती है कि क्या तुम गले मिलना चाहोगी, लेकिन ना ने मना कर दिया था। बाद में बैठ कर बात कर रही थी। ना यहाँ पर हेन से कहती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें तुम्हारे ससुराल नहीं आना चाहिए था, इसकी वजह जेल में चली जाती है, वहाँ पर अच्छा वाला खाना बनता है। हेन बाद में कहती है कि मेरी सास यहाँ पर बढ़िया खाना बनाती है। ना कहती है क्या तुम सास कह रही हो, लेकिन तुम्हारा तो डिवोर्स हो चुका है, क्या यह कोई फर्जी डिवोर्स था? लेकिन हेन मना कर देती है। बाद में ना यहाँ पर यह बताती है कि हेनू के साथ क्या हुआ है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, वह भी कदाचार के कारण। बाद में हेन अपनी इंशु से बात करती है और कहती है कि ये सब क्या है, तुमने तो हेनू के साथ ये सब क्यों किया, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? यूनसू यहाँ पर कह रहा होता है कि इन्होंने किलोग्राम से रिश्वत ली है। हेन कहती है कि ओडी टीम ने पहले जांच कर ली थी लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्या तुम उस पर झूठा आरोप लगा रहे हो? यूनसू कहता है कि क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं हेनू को पूरी तरह से दोषी बना दूंगा। बाद में उंडूर में अपनी हेनू आता है, साथ में ब्योमजा होती है। मिशोन भी अपनी हेनू से बात कर रही होती है और बता रही होती है कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर रात को यूनसू आ था। हेनू कहता है कि मैं जानता हूँ। वही इन शोना को देखते हैं, साथ में और मिलाई होती है, इन्होंने खेत में काम कर दिया था, अभी इनको काम करने का पैसा दिया जा रहा था। अगले सीन में सभी घर पर खाना खा रहे होते हैं, ये सभी अब शोना की ओर देखते हैं जो कि आराम से खाना खा रही होती है। और जब रात को ब्योंजुन इसके पास आता है और कह रहा होता है कि अपनी नींद की गोलियाँ ले लो, लेकिन तभी अब यह देखता है कि शोना तो सो गई है। ब्योंजुन भी कह रहा होता है कैसा पहली बार हुआ है कि तुम गोलियाँ लिए बिना सो गई हो। बाद में ब्योंजुन बाहर आता है और यहाँ पर डुगवान होता है जो कि शराब पी रहा होता है। ब्योंजुन इसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। डुगवान बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं यहाँ पर गांव का अडुआ करता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। बाद में दोनों साथ में शराब पी रहे होते हैं और फिर यहाँ पर ड्रामा को देख रहे होते हैं। अगले सीन में हेन को देखते हैं जो कि हेनू के पास मैसेज करने वाली थी कि क्या तुम सो गए हो, लेकिन बाहर यहाँ पर हेनू होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम सो गई हो। फिर यहाँ पर दोनों बाहर आते हैं। हेन यहाँ पर हेन से कहता है कि अपनी यूनसी हुआ था, उसने तुमसे क्या बात की थी? हेन बाद में कहती है कि कुछ खास बात नहीं हुई थी, वह चाहता है कि मैं काम पर लौट आऊँ। हेन यहाँ पर कहता है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, क्या वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है? हेन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हेन यहाँ पर कह रहा होता है कि फिर भी हम दोनों शादीशुदा थे, लेकिन हेन कहती है कि अब नहीं है, तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। हेन यहाँ पर कहता है कि कुछ भी नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करो। हेन कहती है कि ये बात मुझ पर भी लागू होती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ जो कुछ भी होने वाला है मैं सब कुछ हल कर लूँगी। बाद में हेन चली जाती है। अगले इसमें बोंगे को देखते हैं जो कि अपने घर में पतों को फॉलो कर रही होती है और बाद में अपने हेन की बात को सुनती है जो कि डॉक्टर पारक से बात कर रही थी और कह रही थी अपनी बीमारी के बारे में बात कर रही होती है कि मैं अपने इंजेक्शन लगा रही हूँ ताकि मेरा WBC बढ़ जाए। बोंगे बाद में हेनू के पास आती है और कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, क्या हेन बीमार है, मुझे सच बताओ। बाद में हेनू बता देता है कि हेन को क्या है, इसको ब्रेन ट्यूमर है, इसकी फैमिली में कोई नहीं जानता है सिवाय ब्योमजा के। हेन इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहा है, लेकिन आप हेन की देखभाल करना जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। बोंगे बाद में कहती है तुम्हें कब पता चला था। हेनू बता देता है कि जब मैं यहाँ पर आया था और डिवोर्स के बारे में बात कर रहा था और जब मैं वापस शो ला था
तब मुझे इसके बारे में ताश लगा था। मोंगे बाद में कहती है कि क्या तुम इसी वजह से उसको डिवोर्स नहीं दे पाई। हीनियो पर हाँ बढ़ता है और बाद में रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मुझे हीन के साथ रहना था। लेकिन उसे इसके बारे में पता चल गया कि मैं उसको डिवोर्स देना चाहता हूँ। अगले सीन में डुवान को देखते हैं जो कि यहाँ पर यह देखता है कि मोंगे रो रही होती है। बाद में डुवान बाहर बैठा हुआ था और यहाँ पर मीचो ना रही होती है और अपनी माँ को बोलती है। डुवान चुप होने के लिए कहता है और बाद में कहता है कि तुम्हारी माँ रो रही है, शायद हमें गाँव का एडर नहीं इसलिए ऐसा कर रही है। लेकिन मिचून कहती है कि आप कैसी बात कर रही हैं, इस बात से मेरी माँ हैप्पी होनी चाहिए कि आप गांव के हेड नहीं है, इसे वो दुखी क्यों होगी। डोगन बाद में बोंगे पास आता है और कह रहा होता है कि अब से मैं तुम्हारा हूँ, मुझे पता कि इसलिए तुम दुखी थी। लेकिन बोंगे भी कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, मैं इस बात से दुखी क्यों होंगी। बोंगे बाद में मिचून से कहती है कि हिन को बुला लाओ और खाना खाने के लिए कहो। बाद में सभी अपराज जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं। बोंगे भी हिन को खाना दे रही होती है। सोनहा पर कह रही होती है कि वैसे सुचुल कहाँ पर है। अगले सीन सुचुल को देखते हैं जो कि अपने फोन को देख रहा होता है और यहाँ पर यह देखता है कि दहाई ऑनलाइन आ गई है। सुचुल बाद में दहाई के पास मैसेज करता है और कह रहा होता है कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है, जोनू को दूसरी वैक्सीन लगने वाली है इसीलिए तुम जहाँ भी हो उस वैक्सीन को प्राप्त करो। और साथ में गाना गाने के लिए कह रहा होता है जो कि उन्होंने पहले कहा था जब जोनू को पहली वैक्सीन लगी थी। बाद में अपने सीन को देखते भी है कि जब यहाँ पर ऐसा हुआ था तब जोनू रो रहा होता है और सुशील गाना गा रहा होता है। दाए बाद अपने आप को लॉगआउट करती है। अगले इसमें इन को देखते हैं जो कि शोल जाने वाली थी, तभी इसके सामने सोना आती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। इन कहती है कि मैं शोल जा रही हूँ। सोना बाद में कहती है कि प्रिंचो आ था, तुमने सुशील को छुपोने के लिए क्यों कहा था, तुम दोनों के बीच क्या बात हुई थी, क्या तुम वहाँ पर जाकर उसके साथ काम करने वाली हो। इन कहती है कि मैं ऐसे करने वाली हूँ क्योंकि वैसे गेम मेरी है। सोना बाद में कह रही होती है कि क्या तुम उसके सामने भीख मांगने वाली हो कि मुझे मेरी जगह लुटा दो, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम भी यूनचो के साथ मिली हुई थी ताकि तुम कंपनी को संभाल सको। हेन भी अब कुछ भी नहीं बोल रही थी। पास में और बोंगे होती है जो कि इन दोनों को देख लेती है और बाद में हेन के पास आती है और कहती है कि क्या तुम सियोल जा रही हो। हेन ही अपना बढ़ती है। बोंगे कहती है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ। बाद में दोनों साथ में जा रहे होते हैं। हेन भी बोंगे से कहती है कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू। बोंगे कहती है कि तुम ऐसी बात क्यों कह रही हो, क्या तुम कहीं दूर जाने वाली हो। अगले सीन ब्योमजा को देखते हैं, साथ में गो होती है। गो भी फोन पर बात कर रही होती है और इसको यहाँ पर यह पता चल जाता है कि चेयरमैन कहाँ पर है। अगले सीन में हीन को देखते हैं जो डिपार्टमेंट स्टोर में आती है और अपने आप को रेडी करती है। यहाँ पर हम हीनू को भी देखते हैं, इसको यहाँ पर ना से यह पता चलता है कि हीन यहाँ पर आई हुई है। हीन के पास भी यूनचू आता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी वापसी पर वेलकम है। हीन से कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी धमकी से डर गई, बस अपनी बात पर कायम रहना। बाद में दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और जा रहे होते हैं। हेनू भी बाहर आता है और गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। बाद में इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, हेन यहाँ पर आई हुई थी। हेन यहाँ पर हेन के पास आता है और कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तभी यहाँ पर इंशो भी आ गया था। हेन यहाँ पर हीनू से कह रही होती है कि मैंने तुमको पहले बता दिया था कि मैं कुछ सोल्यूशन कर सकती हूँ। बाद में यूनशुंग हेन को ऐसे ले जाता है। अगले समय गो को दिखाया जाता है, साथ में ब्योमजा होती है। ये उस अस्पताल में आ जाते हैं जहाँ पर चेयरमैन होता है। गो के पास भी शोलिया को लाता है और कह रही होती है कि क्या चेयरमैन मिल गए, लेकिन गो मना कर देती है। हालांकि मैं अपने ये भी देखती हैं कि यहाँ पर शोलिया आ रही होती है, साथ में इसके आदमी होते हैं। चेयरमैन भी अपने एक रूम में होता है और अपनी आंखें खोल रहा होता है। अगले से मेन को दिखाया जाता है, साथ में इंशू होता है। ये भी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना है। आगे से आदमी कह रहा होता है कि क्या मैं शादी को ऐड कर दूँ। इंशू कहता है कि रहने दो, मैं बाद में अपने आप ऐड कर दूँगा। फिर और बाद में इंशू प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं। यहाँ पर यूनू ब्याह हुआ था। यूनचुंग पहले बता रहा होता है कि मैं और हेन स्कूल टाइम से दोस्त हैं और मैं इसको डिपार्टमेंट स्टोर का सीईओ बनाना चाहता हूँ। बाद में अपने हेन का नंबर आता है और अब यहाँ पर हेन यह कहती है कि यूनचुंग ने उसको धमकाया था, उसने मेरे पति यूनू पर झूठा आरोप लगाया था और उसे जेल में डालना चाहता है और मैं डिपार्टमेंट स्टोर की सीईओ नहीं बनना चाहती क्योंकि मेरे पास जीने के लिए कम ही समय बचा हुआ है। हेन बाद में यूनू की ओर देखती है, यूनू भी हेन की ओर देखता है। बाद में वो 4 साल पहले के सीन को देखते हैं। उस टाइम हीन यहाँ पर इंटर्न के रूप में काम कर रही होती है, साथ में इसका बॉस भी होता है और लोग भी होते हैं। हीन भी इंप्र होता है, बॉस हीन से बात कर रहा होता है और शराब पीने के लिए कह रहा था लेकिन हीन ने मना कर दिया था। बॉस बाद में कह रहा होता है कि एक लो शॉट तो होना चाहिए और बाद में जबरदस्ती कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हीन आता है और ऐसा नहीं करने देता और कह रहा होता है कि इसकी वजह मैं शराब पी लेता हूँ। अगले सीन में हीन बार होती है, साथ में हीन होता है। हीन हीन से कह रहा था तुम नाराज हो। हेन यहाँ पर यूनू से कहते हैं कि तुम बहुत ही प्यारे लग रहे थे जब तुम नशे में होते हो, तो किसी भी महिला का दिल
दौड़ने पर मजबूर कर सकते हो, इसीलिए आगे से मत करना। इनू कहता कि ठीक है मैं नहीं करूँगा। बाद में यहाँ पर प्रेजेंट के सीन को देखते हैं जहाँ पर इनू होता है, साथ में प्रियंताय होता है। इनू यहाँ पर प्रियंताय से कहता है कि उसने कहा था कि जब मैं नशे में होता हूँ तो मैं किसी का दिल धड़कने पर मजबूर कर सकता हूँ, मुझे हेन की याद आ रही है। प्रियंताय कहता है कि तुम्हें पसंद नहीं करती है, लेकिन इनू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि उसने मेरे यहाँ पर मरहम लगाई थी, साथ में बैंडेज भी लगाई थी, वह शायद मुझको पसंद करती है। प्रियंताय बाद में कहता है ठीक है तुम उसे जाकर पूछ लो। रात को इनू घर पर आ रहा होता है और इसके हाथ में डाली होती है, पत्तों को तोड़ रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या वह मुझे पसंद करती है या फिर नहीं करती। ऐसे पत्तों को तोड़ रहा था और ये सब बात अपने आप से कह रहा था, और बाद में घर पर आता है और यहाँ भी पत्तों को तोड़ रहा था, और हेन के रूम के सामने आता है। हेन भी रूम के अंदर ही होती है और इसकी बातों को सुन रही थी। बाद में इन्हें अप्रिय देखता है कि लास्ट पत्ता बचा हुआ है, यानी कि हेन मुझको लाई करती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं हेन से प्यार करता हूँ। हेन भी दरवाजे के पास ही होती है। हेन बाद में हेन से कह रहा होता है कि मैं तुमको प्यार करता हूँ हेन। हालांकि इनू को नहीं पता था कि दूसरी ओर हेन है। और बाद में एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 11 में जो कि सैटरडे को आने वाला है, तब तक के लिए बाय।